दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्वर्णिम समारोह में उपस्थित देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ड्यू के वाइस चांसलर श्रीमान योगेश सिंह जी, सभी प्रोफेसर शिक्षकगण और सभी मेरा युवा साथी, आप लोगों ने मुझे जब ये निमंत्रण दिया था तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे आपके यहाँ तो आना ही है। और यहाँ आना अपनों के बीच आने जैसा है। अब 100 साल की ये फिल्म हम देख रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए, सिर्फ ये दिग्गजों को देख लेते तो भी पता चल जाता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं विद्यार्थी काल से जानता हूँ, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। और मुझे अनुमान था कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जरूर अवसर मिलेगा, और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस का हिस्सा बन जाए। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इज़राइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, OTT पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, अरे बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहाँ पहुँचा हूँ। उस बातचीत में कुछ किस्से भी पता चले और कई दिलचस्प जानकारियाँ भी मुझे मिली। साथियों, आज का अवसर एक और वजह से बहुत खास है। ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान, उसकी उपलब्धियों के का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। ड्यू की भी इन 100 वर्षों की यात्रा में कितने ही ऐतिहासिक पड़ाव आए हैं, इसमें कितने प्रोफेसर्स का, कितने स्टूडेंट्स का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवन जुड़ रहा है। एक तरह से
दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर्स और स्टाफ को, सभी स्टूडेंट्स और एल्युमनाई को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस आयोजन के जरिए यहां नए और पुराने स्टूडेंट भी साथ मिल रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ सदाबहार चर्चाएं भी होगी। नॉर्थ कैंपस के लोगों के लिए कमला नगर, हर्सन लाइन और मुखर्जी नगर से जुड़ी यादें, साउथ कैंपस वालों के लिए सत्य निकेतन के किस्से, आप चाहे जिस ईयर के पास आउट हो, दो डीयू वाले मिलकर इन पर कभी भी घंटों निकाल सकते हैं। इस सब के बीच मैं मानता हूं डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा, धृति, सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवती, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है, और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे तब भारत सुख और समृद्धि के शिखर पर था। जब भारत के पास तक्षशिला जैसे संस्थान थे तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था भारत की समृद्धि की वाहक थी। ये वो समय था जब दुनिया की जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर भारत का होता था, लेकिन गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड ने हमारे शिक्षा के मंदिरों को, इन एजुकेशन सेंटर्स को तबाह कर दिया। और जब भारत का बौद्धिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गई। लंबी गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इस दौरान आजादी के भावनात्मक ज्वार को एक मूर्त रूप देने में भारत की यूनिवर्सिटीज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इनके जरिए एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ी हुई जो उस समय के आधुनिक विश्व को ललकार सकती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी। डीयू के सभी स्टूडेंट्स, वो चाहे किसी भी कोर्स में हो, वो अपने संस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे।
अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है, आदर्शों को आधार देती है और भविष्य के विजन को विस्तार देती है। साथियों, कोई इंसान हो या संस्थान, जब उसके संकल्प देश के लिए होते हैं तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिलाकर चलती है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी, आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है, यानी शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगी। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता, अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने, अगर पिछली शताब्दी के इतिहास की तरफ नजर करें तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का यह तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में IIT, IIM, NIT और एम जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं।
इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देशभर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। साथियों, शिक्षा की फ्यूचरिस्टिक नीतियां और निर्णयों का परिणाम है कि आज इंडियन यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में केवल 12 इंडियन यूनिवर्सिटीज होती थी, 2014 में 12 यूनिवर्सिटीज, लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रही है। और साथियों, आप जानते हैं इन सब के पीछे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कर रही है? ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैठे हुए मेरे युवाओं की शक्ति। साथियों, एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे, यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी, लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता, वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप्स थे, आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। 2014-15 की तुलना में आज 40% से ज्यादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं। जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी 5 गुना का इजाफा हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत 18वें पायदान पर था 80 से की बात, वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुंच चुके हैं, वो स्थान हमने प्राप्त किया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लौटा हूं। आप सबने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है, गौरव कितना बढ़ा है। क्या कारण है, क्या कारण है आज भारत का इतना गौरव बढ़ा है? उत्तर वही है, क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी है, भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी आईसेट डील हुई है। इस एक समझौते से हमारे युवाओं के लिए धरती से लेकर स्पेस तक
सेमीकंडक्टर से लेकर एआई तक तमाम फील्ड्स में नए अवसर पैदा होने वाले हैं। जो टेक्नोलॉजी पहले भारत की पहुंच से बाहर होती थी, अब हमारे युवाओं को उनकी एक्सेस मिलेगी, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल्स जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है। और साथियों, ये आहट है कि भविष्य का भारत कैसा होने वाला है, आपके लिए कैसे कैसे अवसर दस्तक दे रहे हैं। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 की क्रांति भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। कल तक एआई और एआर वीआर के जो किस्से हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, वो अब आज हमारी रियल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है। ये सभी सेक्टर्स भारत की युवा पीढ़ी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं। बीते वर्षों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को खोला है, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को खोला है, भारत ने ड्रोन से जुड़ी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इन सभी निर्णयों से देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथियों, भारत की विकास यात्रा से हजारों युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स का कैसे लाभ हो रहा है, इसका एक और पक्ष है। आज दुनिया के लोग भारत को, भारत की पहचान को, भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे हैं। कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों के लिए परेशान था, लेकिन भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था। लिहाजा विश्व में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य हो, भारत की G20 प्रेसिडेंसी हो, ये सभी भारत के प्रति कौतूहल बढ़ा रहे हैं। इससे हमारे जो ह्यूमैनिटीज के स्टैंडर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनेकों नए अवसर पैदा होने वाले हैं। योग जैसा हमारा विज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारे फेस्टिवल, हमारा लिटरेचर, हमारी हिस्ट्री, हमारा हेरिटेज, हमारी विधाएं, हमारे व्यंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है, हर किसी के लिए नया आकर्षण पैदा हो रहा है। इसलिए उन भारतीय युवाओं की डिमांड भी बढ़ रही है जो विश्व को भारत के बारे में बता सके, हमारी चीजों को दुनिया तक पहुंचा सके। आज डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जैसे इंडियन वैल्यूज दुनिया के लिए मानवीय पैमाना बन रही है। गवर्नमेंट फॉरम से लेकर डिप्लोमेसी तक कई क्षेत्रों में भारतीय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं। देश में हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर से जुड़े क्षेत्रों ने भी
युवाओं के लिए अपार संभावनाएं बना दी है। आज देश के अलग अलग राज्यों में ट्राइबल म्यूजियम्स बन रहे हैं। पीएम म्यूजियम के जरिए आज आजाद भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं। और आपको ये जानकर के भी अच्छा लगेगा कि दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा हेरिटेज म्यूजियम युगे युगीन भारत ये भी बनने जा रहा है। कला संस्कृति और इतिहास से जुड़े युवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोफेशन बनाने के इतने अवसर पैदा हो रहे हैं। इसी तरह आज दुनिया में भारतीय टीचर्स की अलग पहचान बनी है। मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, उनमें से कई अपने किसी न किसी इंडियन टीचर से जुड़े किस्से बताते हैं और बड़े गौरव से बताते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर इंडियन यूथ की सक्सेस स्टोरी बन सकती है। इस सब के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को तैयार होना है, अपने माइंडसेट को तैयार करना है। हर यूनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोडमैप बनाना होगा, अपने लक्ष्यों को तय करना होगा। जब आप इस संस्थान के 125 वर्ष मनाए, तब आपकी गिनती वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में हो, इसके लिए अपने प्रयास बढ़ाएं। फ्यूचर मेकिंग इनोवेशंस आपके यहां हो, दुनिया के बेस्ट आइडियाज और लीडर्स आपके यहां से निकले, इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा। लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाइएगा। कुछ बातें वैसी ही छोड़ दीजिएगा भाई। नॉर्थ कैंपस में पटेल चेस की चाय, नूडल, साउथ कैंपस में चाणक्य आज के मोमोज, इनका टेस्ट न बदल जाए ये भी आपको इंश्योर करना होगा। साथियों, जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को तैयार करना होता है। एक राष्ट्र के मन मस्तिष्क को तैयार करने की ये जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को निभानी होती है। हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेडी हो, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेम्परामेंट रखती हो, ये शिक्षा संस्थान के विजन और मिशन से ही संभव होता है। मुझे विश्वास है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पूरा करेगी। इसी के साथ आप सभी को इस शताब्दी वर्ष की यात्रा को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है, उसे और अधिक सामर्थ्य से और अधिक शानदार तरीके से और अधिक सपने और संकल्पों को लेकर के सिद्धि को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। सिद्धियां आपके कदम चूमती रहे, आपके सामर्थ्य से देश बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।